सरकार जवाब ये, मैं वास्तव में वहाँ एक ही पढ़ने का कायल हूँ, मेरा ख्याल है छोटे शहर को पढ़नी भी एक चाहिए। जब मैं एक के बाद कोई एक पढ़ निकाल रहा होता ना डायरी, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जो जादू दिखाने वाला होता है ना, एक के बाद एक निकाल के वो ये मैं आपकी इजाजत से रख रहा हूँ, समझिएगा आपके मैं सचिन। अच्छा साहब, ये वगैरह टाइप की एक चीज है, असल में वो तो वगैरह है, ये वगैरह की वगैरह है, फिर उसके बाद वगैरह पढ़ दूंगा। अच्छा, मेरा ख्याल है इस तरह ज्यादा संजीदा लोग बैठे हैं, क्योंकि वगैरह की सारी जो है वो इधर से है। मरो किसने कहा है, गैरों की मोहब्बत में मरो किसने कहा है, अपनों की अदावत में जियो कहा है। ये जो ईद सजा ईद जहरा होती है, तो उसमें इस किस्म के कलाम की जो शाइस्ता भी हो और उसमें अपने जज्बात की तस्कीन भी हो जाए, तो उसमें इस किस्म के कलाम की जरूरत पड़ जाती है। कुफार का जब खौफ है और मार का भी डर, कुफार का जब खौफ है और मार का भी डर, हमरा पयंबर के रहो किसने कहा, कहा है। जब भाग नहीं ठहरा हर एक जंग से तुमको, जब भाग नहीं ठहरा हर एक जंग से तुमको, हथियार भी हमरा रखो है।
मर जाता मैं जानी के फुलां लौला अली लिल्लाह कभी गौर करो सरकार ने छोड़ी है गरा कदर जो चीजें उन दोनों से तुम बच के चलो दुर्गा की मवादत ही तो अजरे रिसालत उजरत न दो और कलमा पढ़ो उजरत न दो अल कलमा पढ़ो कहा है फरमाए नबी जिसके लिए लहम का लहम फरमाए नबी जिसके लिए लहम का लहमी उस शख्स पर तुम वार करो किसने कहा है पढ़ते रहो कुरान भी और नाते नबी भी और आज का तुम नाम न लो साहब आपके यहाँ का तो पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता हमारे यहाँ वहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हजरात और मुख्तलिफ खानवाद मुए मुबारक की ज्यारत कराते हैं उसकी बाकायदा सज्जादा नशीनी होती है बाकायदा उसकी ज्यारत होती है बाकायदा उसकी गद्दियाँ चल रही हैं और बड़े बहन लोग पल रहे हैं वल्लाहु आलम यकीनन वो होगा उनके मुए मुबारक इस पे एक हमारे थे बड़े बुजुर्ग शायर डॉक्टर शुजात अली बेग साहब मुहिब हैदराबादी तो उनका एक बड़ा अच्छा एक शेर था ये मुए मुबारक के दिखाने वाले आज डॉक्टर एहसान साहब नहीं है मुझे बहुत खुश होते हैं।
आपके हम पेशा भी थे और बादौक भी वैसे थे आपकी तरह शुजात अली बेग मुहिब हैदराबादी साहब, बड़े मोमिन और बड़े बाकमाल आदमी थे। ये मुए मुबारक के दिखाने वाले आल को छोड़ दिया, बाल लिए फिरते। उधार लिया है, इसके पैसे दीजिएगा। सर मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि बड़ों की मौत ने बड़ा बना दिया। कितना बड़ा शेर मैंने आपको सुनाया, मैंने उस दिन वहां दुबई में मोहम्मद शाह साहब के यहाँ भी आपको अशार सुनाए थे बड़े शायरों के। अब इतने बड़े और इतने अच्छे अशार के बाद मेरे जैसे छोटे छोटे अशार, बस चराग से चराग जलाने की, और जाहिर कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, वो बात है। वरना जब मैं अच्छे शेर सुनता हूँ और पढ़ता हूँ बुजुर्गों के, तो अपने छोटे शेर खुद ही पढ़ने पेश करने का जी नहीं चाहता। ये वजह जब याद आ जाते हैं तो मैं ध्यानदारी से पढ़ देता हूँ, चाहे मेरा शेर छोटा हो जाए, मगर मैं चाहता हूँ कि पढ़ते रहो कुरान भी और नाते नबी भी और आल का तुम नाम न लो, किसने कहा है जिस बीबी को फरमाए नबी बज़्वतु मिन्नी, उस बीबी की तकदीर करो, किसने कहा है जो बात नबी आप हो कुरान मुजस्सम, उस शख्स से कुरान न लो, किसने कहा है जिस दर की गदाई पकड़ फख्र मलाइक, बेहुरमती उस दर की करो, किसने कहा है कहलाते हुए कातिब वही और सहाबी, तुम नफ्से पयंबर से लड़ो, किसने कहा है सरदार हो जो लोग जमाना ने जिना के, उन दोनों से तुम बुग रखो, किसने कहा है महशर में रखो उनसे शफात की उम्मीदें, पर उनकी तात न करो, किसने कहा है जिन लोगों की खुद अपनी शफात भी हो मुश्किल, ऐसों की मोहब्बत में मरो, शफात भी हो मुश्किल, ऐसों की मोहब्बत में मरो, किसने कहा है जिस शख्स को उठवाए नबी बज़्म से अपनी, शख्स कौन तुम्हारा
बज़्म से अपनी पहलू में उसे सोच लें आप, समझ लें, एक बार आप नारा और लगाएं तो दूसरा मिसरा पढ़ो। जखरा का जो हक खाए करो तबल्ला, खुद खुम्स की एक पाई के एक शेर पर कल दो मोमिनों में अबू धाबी में झगड़ा होते होते रह गया है ना भाई, वो मेरे दोनों भाइयां मौजूद है माशाल्लाह। का जो हक खाए करो उन पर तबर्रा, खुद खुम्स की एक पाई न दो किसने कहा है। अब बात यह है कि मेरा मकसद कुछ नहीं है, मकसद तो शायरों का होता है, मैं तो ऐसी बस आदमी हूँ तो जो नाम है वही तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो बस मेरा कोई तखल्लुस नहीं है, बस वो जो नाम है बस वही तखल्लुस है, वही पहचान है जो कुछ भी है। लेकिन इस बहर में ये आपकी मोहब्बत है, इस बहर में बाकायदा मेरा नाम नहीं आता है, मैं सिप्ते और जाफर को तोड़ता हूँ नहीं, एक दो जगह ये किया है कुछ तरकीबी, लेकिन यहाँ फिर मैंने क्या कह दिया। जिस बहर में आता ही न हो नाम तसल्लुस, उस बहर में तुम शेर कहो। मैं तो बस तामिल हुक्म में अलविदाई रुखसती कलाम को पढ़ने वाला था, जब इमाम आएंगे जब का वक्त कल पेश कर चुका मैं वहाँ अबू धाबी में, और यहाँ बहुत सारे लोगों के पास जो पहले से प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसे वो महफिल होने से जो साफ सुथरी रिकॉर्डिंग मिल जाती है उसी को पेश कर देते हैं, उस रेडियो की रिकॉर्डिंग को मज़ा नहीं आता, जो ऑरिजिनलिटी और जो असलियाँ महफिल में होती है पढ़ने वालों को सुनने वालों को बहरहाल वो अहबाब बना के पेश कर देते हैं, उनकी मोहब्बत है। तो यहाँ भी